डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ग्रुप फोर्थ, तो हम बात कर रहे थे बेसिक रेडिकल्स यानी जो धाराएं हैं उनका परीक्षण किस तरह से किया जाता है। तो उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट ग्रुप एनालिसिस, सेकेंड ग्रुप के अंदर सेकेंड ए तथा सेकेंड बी का एनालिसिस और थर्ड ग्रुप का एनालिसिस डिस्कस किया था। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ ग्रुप एनालिसिस की। तो जब भी बेसिक रेडिकल्स का हम टेस्ट करते हैं तो इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करते हैं, उसके बाद में सेकंड ग्रुप का टेस्ट करते हैं, उसके बाद में फिर थर्ड ग्रुप का एंड देन फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करेंगे। सपोज यदि आपको दिए गए मिक्सचर में फोर्थ ग्रुप का कोई धनायन उपस्थित है और एक फर्स्ट ग्रुप का धनायन उपस्थित है तो आप डायरेक्ट फोर्थ ग्रुप का जो धनायन है उसका टेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ग्रुप के अंदर उसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाकर डाइल्यूट एचसीएल डालते हैं। अगर पीपीटी आती है तो उसको छान करके जो अवक्षेप होगा उससे हम प्रथम जो समूह है उसका परीक्षण करेंगे और छनित होगा वो द्वितीय समूह के लिए उपयोग में लिया जाएगा। उसके बाद में फिर जो द्वितीय समूह है उस द्वितीय समूह जो प्रथम समूह का छनित था उसके अंदर हम उसका जो समूह अभिकर्मक H2S गैस प्रोवाइड करेंगे। यदि द्वितीय समूह प्रेजेंट है तो H2S गैस प्रोवाइड करने पर उन द्वितीय समूह के धनायनों का अवक्षेप प्राप्त होता है, उस अवक्षेप को छान लेते हैं, जो छनित होगा वो आगे तृतीय समूह के लिए यूज में लेंगे और जो अवक्षेप होता है उससे हम द्वितीय समूह के जो धनायन है उनका परीक्षण किया जाता है। अब जो द्वितीय समूह से प्राप्त जो छनित था जो तृतीय समूह के लिए उपयोग में हमने लिया उस तृतीय समूह के अंदर उसका समूह अभिकर्मक NH4Cl प्लस NH4OH डालते हैं। यदि तृतीय समूह उपस्थित है तो उसके जो धनायन होंगे वो हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे, उस अवक्षेप को छान लेंगे, जो अवक्षेप होगा उससे हम थर्ड समूह के जो धनायन है उनका परीक्षण करेंगे और जो छनित होगा फिल्ट्रेट होगा वो आगे हम फोर्थ ग्रुप जो होता है उसके लिए यूज में लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा थर्ड ग्रुप का जो छनित यानी जो तृतीय समूह है, तृतीय समूह अगर उपस्थित है तो उस अवक्षेप से तो हम तृतीय समूह का जो धनायन होते हैं उनका परीक्षण करते हैं, जैसे Al3+ है, Fe3+ है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनका परीक्षण किया जाएगा। और जो छनित होगा उस छनित से हम जो फोर्थ समूह है उसकी टेस्ट के लिए यूज में लेते हैं। तो देखो यहां पर लिखा मैंने थर्ड ग्रुप का छनित, उस थर्ड ग्रुप के छनित में जो फोर्थ समूह का ग्रुप रिएजेंट होता है NH4OH में H2S गैस प्रोवाइड करना, यानी अमोनियम जो विलयन होता है उस विलयन के अंदर वापस हम H2S गैस प्रोवाइड करते हैं और H2S गैस प्रोवाइड करने पर यदि फोर्थ ग्रुप के धनायन निकल, कोबाल्ट, जिंक इनमें से अगर कोई है तो उनका सल्फाइड के रूप में अवक्षेपण हो जाता है। जैसे जैसे ही हम NH4OH H2S गैस प्रोवाइड करेंगे, अगर जिंक होता तो जिंक सल्फाइड के रूप में, मैग्नीज है तो मैग्नीज सल्फाइड के रूप में, निकल है तो निकल सल्फाइड के रूप में और कोबाल्ट है तो कोबाल्ट सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा। ये जो फोर्थ ग्रुप के धनायन है जिसमें Zn2+ Mn2+ मैग्नीज आयन जो होता है, निकल Ni2+ और कोबाल्ट CO2+, ये फोर्थ ग्रुप के धनायन है। तो अगर फोर्थ ग्रुप के धनायन प्रेजेंट है तो इनका अवक्षेपण सल्फाइड के रूप में होता है, जिंक सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड, निकल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड के रूप में। तो अब उस अवक्षेप को जो अवक्षेप आएगा उस अवक्षेप को हम एक दूसरे टेस्ट ट्यूब लेकर के फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे, जो छनित होगा वो छनित नेक्स्ट आगे
फिफ्थ ग्रुप जो होगा उसके लिए यूज में लिया जाएगा। और जो अवक्षेप होगा उस अवक्षेप को हम डायल्यूट HCl में डिजोल्व करेंगे। डायल्यूट HCl में डिजोल्व करने के बाद में फिर वापस उसको फिल्ट्रेट करेंगे। जो अवक्षेप होगा उस अवक्षेप के अंदर निकल या कोबाल्ट हो सकता है, और जो क्षणित होगा उस क्षणित के अंदर जिंक और मैग्नीज हो सकता है। तो डायल्यूट HCl डाल करके उस अवक्षेप के अंदर जब हम डायल्यूट HCl डालेंगे और डाल करके उसको हम छानेंगे, तो क्षणित जो होगा उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में अधिकता में लेंगे, अधिकता में डालेंगे इस क्षणित के अंदर, और डाल करके वापस जो अवक्षेप प्राप्त होगा उस अवक्षेप को छान लेंगे। यानी जो पहले क्षणित था उस क्षणित के अंदर वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH मिलाया जाएगा। NOH मिलाते ही वापस इसके अंदर जो फिल्ट्रेट था इसके अंदर PPT बनती है। इस PPT को वापस एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेकर के क्या करेंगे, छान लेंगे। तो जो क्षणित होगा नीचे आएगा, उस क्षणित में वापस H2S गैस प्रवाहित करेंगे, और प्रवाहित करने पर अगर वाइट PPT श्वेत अवक्षेप आता है, दैट मींस क्या Zn2+ निश्चित है उपस्थित है। और जो इस फिल्टर पेपर पर अवक्षेप था उस अवक्षेप को हम कंसंट्रेट HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अंदर घोलेंगे, और घोल करके इसके दो भाग कर लेंगे। एक भाग के अंदर लेड ऑक्साइड डाल करके गर्म करेंगे, अगर पर्पल कलर बैंगनी रंग आता है दैट मींस Mn2+ आयन निश्चित है। और दूसरे भाग के अंदर सोडियम बिस्मिथाइड डालने पर अगर वापस पर्पल कलर आता है दैट मींस मैग्नीज Mn2+ आयन निश्चित है। तो जो अवक्षेप था उस अवक्षेप को हमने डायल्यूट HCl में डिजोल्व किया, और डिजोल्व करके उसको छान लिया। अब जो क्षणित था उस क्षणित में हमने NOH डाल करके वापस PPT प्राप्त हुई, उस PPT से तो हमने किसका मैग्नीज का टेस्ट किया, और जो क्षणित था उसका हम से हमने जिंक Zn2+ का टेस्ट किया। अब जो डायल्यूट HCl डालने के बाद में जो PPT थी उसके अंदर कोबाल्ट और निकल हो सकता था। अब इस अवक्षेप को हम क्या करते हैं, एक्वा रेजिया जो होता है अमलराज उसमें डिजोल्व करेंगे, और डिजोल्व करने के बाद में उसके एक भाग के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सी डालेंगे, तो गुलाबी रंग अगर प्राप्त होता है दैट मींस निकल Ni2+ से वो प्रेजेंट है। और दूसरे भाग के अंदर जब एसिटिक एसिड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO2 डालेंगे और पीला अवक्षेप प्राप्त होता है दैट मींस कोबाल्ट CO2+ निश्चित है। इस प्रकार से हम जो फोर्थ ग्रुप के धनायन है जिंक मैग्नीज निकल और कोबाल्ट का एनालिसिस किया जाता है। तो आपको थ्योरेटिकल में भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से आप जो फोर्थ समूह के धनायन है उनका परीक्षण करेंगे, तो आपको थर्ड समूह का जो क्षणित होगा उसके अंदर NH4OH+ H2S गैस प्रोवाइड करेंगे जो इसका ग्रुप रिएजेंट है, और अवक्षेप प्राप्त आएगा, उस अवक्षेप से हम जो फोर्थ ग्रुप के धनायन है उनका परीक्षण करेंगे, और जो क्षणित होता है वो नेक्स्ट फिफ्थ ग्रुप के लिए यूज में लिया जाएगा। फिर उस अवक्षेप को हम डायल्यूट HCl में डिजोल्व करेंगे, और डिजोल्व करने के बाद में जो क्षणित होगा उससे हम जिंक और मैग्नीज का परीक्षण करेंगे, और जो अवक्षेप होगा उससे हम निकल और कोबाल्ट का टेस्ट करेंगे। उस अवक्षेप को एक्वा रेजिया में घोलेंगे, घोल करके उसके दो भाग करेंगे, एक भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन मिलाएंगे, गुलाबी रंग आता है तो निकल Ni2+ निश्चित है, और दूसरे भाग में एसिटिक एसिड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO2 मिलाएंगे, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है येलो PPT दैट मींस कोबाल्ट निश्चित है, और जो क्षणित था उसको NOH एक्सेस में डाल करके वापस देखेंगे तो उसमें वापस PPT आती है, उस PPT से हम कंसंट्रेट HNO3 डाल करके मैग्नीज Mn2+ से उसका टेस्ट करेंगे, लेड ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो पर्पल कलर आएगा, सोडियम बिस्मिथाइड के साथ में गर्म करेंगे तो बैंगनी कलर आएगा, और जो क्षणित था उसमें H2S गैस प्रोवाइड करेंगे, वाइट PPT आती है तो जिंक निश्चित है। तो इस प्रकार से जो फोर्थ ग्रुप के धनायन है जिंक मैग्नीज निकल और कोबाल्ट का परीक्षण किया जाएगा। अगर फोर्थ ग्रुप के धनायन अनुपस्थित है तो फिर हम आगे फिफ्थ जो ग्रुप के धनायन है उनका परीक्षण किया जाएगा।
तो आप जो छनेत है, इस छनेत के अंदर जो पंचम समूह है, उस पंचम समूह का समूह अभिक्रमक सोडियम जो कार्बोनेट है वो डाला जाता है। अगर सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद में पंचम समूह के जो धनायन है बेरियम स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम Ba2+ Sr2+ Ca2+ ये पंचम समूह के धनायन होते हैं जो बेरियम कार्बोनेट के रूप में, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट के रूप में और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होंगे, जिसको हम आगे उनका कंफर्मेटिव टेस्ट किया जाता है। तो देखिए हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं पंचम समूह की। तो पंचम समूह से पहले हम इनकी जो केमिकल रिएक्शन वो भी एग्जाम में पूछी जाती है कि जो आप अवक्षेप प्राप्त हुआ है जिंक सल्फाइड, मैंगनीज सल्फाइड, निकल सल्फाइड, उनको आगे NaOH और इस प्रकार से H2S गैस प्रोवाइड करने पर जो व्हाइट पीपीटी आती है जिंक की, तो वो कौन सा कंपाउंड है। इसी प्रकार से लेड ऑक्साइड के साथ में जब कंसंट्रेट HNO3 को मैंगनीज के साथ अभिक्रिया करके जो बैंगनी रंग पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है वो कौन सा है। सोडियम बिस्मिथ के साथ में अभिक्रिया करके जो पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है वो क्या होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस DMG जो निकल के साथ अभिक्रिया करके संकुल यौगिक बनाता है जो गुलाबी रंग देता है, तो उसकी संरचना क्या होती है, कौन सा संकुल यौगिक बनता है। और इसी प्रकार से एसिटिक एसिड प्लस KNO2 कोबाल्ट के साथ में जो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है। तो देखिए नेक्स्ट इसके केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखिए जो फोर्थ ग्रुप का धनायन Zn2+ है H2S गैस प्रोवाइड करेंगे, पहले वो जिंक सल्फाइड के रूप में व्हाइट या स्लेटी पीपीटी देता है प्लस HCl बनाए। ये जो जिंक सल्फाइड है, इस जिंक सल्फाइड के अंदर जब हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो वो जिंक क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होता है और ZnCl2 NaOH के साथ अभिक्रिया करके जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl बनाता है। ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है फिर हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की आदि की एक्सेस में मिलाते हैं तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है और इस सोडियम जिंकेट के अंदर वापस H2S गैस प्रोवाइड करके गर्म करते हैं तो व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है वापस जिंक सल्फाइड प्लस NaOH बनने के कारण। तो हमने जो अभी टेस्ट पढ़ा था Zn2+ व्हाइट पीपीटी से निश्चित होता है, दैट मींस जो जिंकेट है वो H2S के साथ अभिक्रिया करके जो व्हाइट पीपीटी जो व्हाइट श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है वो कौन सा यौगिक होता है, जिंक सल्फाइड होता है। इसी प्रकार से हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज में जो लवण है MnCl2 H2S के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीज सल्फाइड प्लस HCl लेना, क्योंकि उसका जो ग्रुप रिएजेंट H2S प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्ट होगा वो मैग्नीज सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होगा। ये मैंगनीज सल्फाइड को जब हम आगे डाइल्यूट HCl में डिजोल्व करेंगे तो मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2S बनाएगा। ये मैंगनीज क्लोराइड NaOH में डिजोल्व करेंगे तो मैंगनीज ऑक्साइड प्लस NaCl प्लस H2O देता है। इस मैंगनीज ऑक्साइड को आगे कंसंट्रेट HNO3 डालने पर मैंगनीज नाइट्रेट बनता है प्लस H2 प्लस O2 मुक्त होती है और ये मैंगनीज नाइट्रेट आगे लेड ऑक्साइड प्लस HNO3 डालते हैं तो लेड ऑक्साइड डालने पर जो इसका पर्पल बैंगनी कलर आता है वो पर मैग्निक एसिड बनने के कारण होता है, HMnO4 प्लस लेड नाइट्रेट प्लस H2O बनता है। अब देखिए हम नेक्स्ट दूसरे जो कोबाल्ट और जिंक इनकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से है। नेक्स्ट देखिए निकल, जो निकल क्लोराइड होता है H2S और NH4OH विलयन में अमोनिया विलयन में H2S गैस प्रोवाइड करने पर NaCl2 अभिक्रिया करके निकल सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होगा। इस निकल सल्फाइड
जो अवक्षेप, इसको एक्वा रेजिया, HNO3 प्लस HCl का जो मिश्रण होता है, इस एक्वा रेजिया के अंदर डिजोल्व करेंगे तो निकल क्लोराइड NaCl2 प्लस 3S सल्फर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O बनाता है। ये जो NaCl2 निकल क्लोराइड है वो आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन इसके साथ में अभिक्रिया करके एक संकुल यौगिक बनाता है जिसको हम निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट कहा जाता है। ये पिंक कलर का गुलाबी रंग का होता है जो निकल आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में अभिक्रिया पूछी जाती है, NaCl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम अभिक्रिया करके जो संकुल यौगिक बनता है कौन सा है, निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट होता है। एक बार इसमें नेट के अंदर भी सवाल पूछा गया था कि जो निकल की अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डीएमजी से अभिक्रिया के बाद में जो पिंक कलर का कंपाउंड बनता है निकल डाइमिथाइल ऑक्सीमेट, तो उसके अंदर टोटल कितने रिंग्स होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो OH ग्रुप होता है ये इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बंध बना देता है। इसी प्रकार से इधर भी ये जो हाइड्रोजन परमाणु होता है इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड निकल लेता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर, 2 रिंग्स होती है और 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर होती है, 2 रिंग होती है। तो इसका नेट में जो सवाल पूछा गया था कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 5 मेंबर रिंग कितनी है और 6 मेंबर रिंग कितनी है, तो 2 इसके अंदर 6 मेंबर रिंग होती है और 2 है 5 मेंबर रिंग होती है। तो ये वाला जो संकुल यौगिक है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कोबाल्ट के परीक्षण में CuCl2 है H2S गैस प्रवाहित करने पर कोबाल्ट सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होता है, फिर इस अवक्षेप को एक्वा रेजिया HCl प्लस HNO3 में घोलने पर कोबाल्ट क्लोराइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सल्फर प्लस H2O बनती है। ये कोबाल्ट क्लोराइड आगे जब पोटेशियम नाइट्राइड और एसिडिक एसिड डालेंगे तो एक संकुल यौगिक बनता है पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड, जो कि येलो पीपीटी जो पीला कलर का कंपाउंड है, प्लस KCl प्लस पोटेशियम एसिटेट। तो इस प्रकार से ये कोबाल्ट क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट और एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके भी इसमें येलो कलर की जो पीपीटी बनती है वो भी एक संकुल यौगिक पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड होता है। अब हम नेक्स्ट आगे जो फिफ्थ ग्रुप के धनायन है उनका परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से इसके केमिकल रिएक्शन है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।